हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। सो आज हम एक रूब्रिक्स देखेंगे और रूब्रिक्स के थ्रू हम उस मेडिसिन को समझेंगे कि वो मेडिसिन कैसी है, और उसके साथ जो सपोर्टिव रूब्रिक है हम उसको भी समझने की कोशिश करेंगे कि वो कैसे वो रूब्रिक्स कैसे हम ले सकते हैं अपने क्लिनिक में। सो आज का रूब्रिक्स है, लास्ट टाइम हमने एक रूब्रिक किया था, ठीक है, नाइट्रामोल का, तो एब्जॉर्ब वाला। आज हम एक करेंगे एंगर हिमसेल्फ विथ व्हेन कॉन्स्टिपेटेड। ठीक है, आप इसमें देखेंगे सिंगल एलो सॉकेट ट्रेना, इसमें इस मेडिसिन में सिर्फ सिंगल रूब्रिक में सिंगल एलो है, एलो सॉकेट ट्रेना। ठीक है, तो एंगर हिमसेल्फ व्हेन कॉन्स्टिपेटेड, तो अब इसको समझिए कि उसको अपने आप पे गुस्सा आता है, कॉन्स्टिपेशन जब उसको होता है तो उसको अपने आप पे गुस्सा आता है। तो अभी आप ये रूब्रिक माइंड में है, आप बोलेंगे कॉन्स्टिपेशन तो फिजिकल सिम्टम है, मगर ये रूब्रिक्स जो है, ठीक है, ये जो गुस्सा है उसको खुद पे आता है, क्योंकि जब वो कॉन्स्टिपेटेड होता है तो उसे अपने खुद पे गुस्सा आता है। तो एलो सॉकेट्रिना इसमें सिंगल है, तो अब हमें एलो को समझना पड़ेगा कि एलो ऐसा करता क्यों है, एलो सॉकेट्रिना ऐसा करता क्यों है, उसे अपने आप पे गुस्सा क्यों आता है जब उसका कॉन्स्टिपेटेड रहता है। कॉन्स्टिपेशन का मतलब समझिए आप, जब आपका आपने जो भी आप खा रहे हो, ठीक है, जो भी आप चीज़ें अंदर ले रहे हो अपने, ठीक है, और वो अंदर जाने के बाद, वो डाइजेशन प्रोसेस में गुजरने के बाद जो वेस्ट मटेरियल होता है वो बॉडी क्या करता है, वो बाहर फेंक देता है, ठीक है, वाया योर स्टूल। ठीक है, तो स्टूल हो जाने के बाद योर बॉडी बिकम रिलैक्स, मगर यहाँ कॉन्स्टिपेशन में क्या होता है कि वो चीज़ें बाहर ही नहीं आती, अंदर ही है, अंदर ही पड़ी हुई है, और जब अंदर पड़ी है तो एलो सेक्रेटरीना को गुस्सा आता है। तो हमें कॉन्स्टिपेशन को समझना पड़ेगा। हमने फिजिकल में कॉन्स्टिपेशन तो समझ लिया कि ये प्रोसेस होता है कॉन्स्टिपेशन का, ठीक है, पेशेंट को मोशन नहीं होता, पेशेंट ईजिली मोशन नहीं पास कर पाता, ठीक है, बहुत प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, तो वो कॉन्स्टिपेशन है। मगर ये माइंड में ये रूब्रिक्स दिया है, तो हमें माइंड को समझना होगा कि माइंड में कॉन्स्टिपेशन कैसे हो रहा है। और भी रूब्रिक्स है माइंड में, आप देखोगे माइंड चैप्टर में, आप देखोगे कॉन्स्टिपेशन एग्रीवेट, स्टूल आफ्टर ML, ये सब माइंड में दिया, ये फिजिकल में रूब्रिक्स नहीं है, ठीक है। तो कॉन्स्टिपेशन एग्रीवेट, स्टूल आफ्टर ML, ये सब माइंड चैप्टर में। तो हमें कॉन्स्टिपेशन को समझना होगा कि जब आपका कोई ऐसी चीज़ जो आप ले रहे हो और आपको उस पर रिएक्ट करना चाहिए, जो वो वेस्ट है आपके लिए, आपकी बॉडी के लिए हार्मफुल है, जैसे गुस्सा, इमोशंस, ठीक है, वो आपको अंदर आपको रिलीज़ करना है, मगर आप रिलीज़ नहीं कर पाते हो, अंदर ही अंदर उसको, जब आपसे कोई चीज़ आपके अंदर आती है तो आपके अंदर एक गुस्सा पैदा होता है, एक रिएक्शन आता है, वो रिएक्शन को आप नहीं करते हो, रिएक्ट नहीं करते हो, गुस्सा अंदर ही अंदर जब आप दबाने लगते हो तो यू बिकम कॉन्स्टिपेटेड, क्योंकि आप वो चीज़ निकाल नहीं पा रहे हो ना। अब उसके फर्दर रीज़न है कि एलो सेक्रेटरीना निकाल क्यों नहीं पाता, अगर आप देखोगे तो इसीलिए तो उसको कॉन्स्टिपेशन एग्रीवेशन में जाता है एलो सेक्रेटरीना, ठीक है, और अगर वो निकाल देता स्टूल आफ्टर ML तो उसको आराम मिल जाता, क्योंकि एलो सेक्रेटरीना का सारा दर्द, अगर आप फिजिकल में एलो सेक्रेटरीना को चेक करोगे तो उसमें रूब्रिक से रंबलिंग वो सब, डाइजेशन गर्गलिंग रबलिंग, ठीक है, और फिजिकल में आप जाओगे चेक करोगे तो जितने भी पेट की समस्या है, पेट में जाने बाथरूम जाने के पहले सारा पेट में दर्द होता है, ठीक है, और जैसे ही मोशन हो गया एलो सेक्रेटरीना वॉज एकदम ईज, एकदम आराम से, ठीक है, एकदम ऐसा लगता कुछ हुआ ही नहीं है, क्योंकि मोशन हो गया ना, तो वो फिजिकल में है। यही चीज़ माइंड में अगर आप देखोगे, ठीक है, तो माइंड चैप्टर में भी अगर वो इजीली सब कुछ निकाल दे, अपना गुस्सा निकाल दे, रिएक्ट कर दे, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, ठीक है, एवरीथिंग वॉज फाइन, मगर वो अलग सेक्रेटरीना निकाल नहीं पाता है, ठीक है। तो आज हम वही करेंगे कि ऐसा वो क्यों नहीं कर पाता है, ठीक है। तो आप समझिए कि एलो सेक्रेटरीना जो होता है वो बेसिकली एक रूब्रिक है हमारे पास, फ्रेटनाइज्ड विद द होल वर्ल्ड, ठीक है, फ्रेटनाइज्ड विद द होल वर्ल्ड, और फियर आफ्टर पोल्यूशन, ठीक है, पोल्यूशन मतलब वातावरण, जो पोल्यूशन मतलब जो वातावरण जिसकी पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, नॉइज़ पोल्यूशन, वाटर, जिससे वातावरण ख़राब हो जाता है, ठीक है, उसकी वजह से। तो मगर एलो सेक्रेटरीना का फियर आफ्टर पोल्यूशन है यार, उसको लगता है पोल्यूशन के बाद उसको डर लगता है, फियर आफ्टर पोल्यूशन, उसको पोल्यूशन करने से ही डर लगता है,
उसको पोल्यूशन हो जाएगा, तो उसको उस चीज़ का डर है कि वो ना हो। और फ्रेटनाइज्ड विद द होल वर्ल्ड, अब फ्रेटनाइज्ड क्या है, फ्रेंडली बिहेवियर टू द वर्ल्ड, मतलब वो एलो सर्किट्रीना अपने दुश्मनों से किसी साथ भी एक घुल मिल के एक एक फ्रेंडली बिहेवियर रखता है, वो उन पर गुस्सा नहीं करता है क्योंकि वो रिश्ते बना के रखता है। ठीक है, उनको लगता है कि अगर मैं उसको ऐसा कुछ बोल दूंगा या कुछ कह दूंगा तो वो क्या होगा कि मेरा जो रिलेशन है और जो वो मेरा जो रिलेशन है, मेरा जो वो उनके साथ जो बिहेवियर है वो स्पॉइल हो जाएगा, वो ख़राब हो जाएगा, पोल्यूशन हो जाएगा। तो उसको डर रहता है, तो वो इसकी वजह से क्या फियर आफ्टर पोल्यूशन में रहता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो फ्रेंडली बिहेवियर टू होल वर्ल्ड, तो फ्रेटनाइज्ड विद द होल वर्ल्ड। तो मैंने आपको एक केस बताया था, वो लेडी शी वॉज एब्सोल्युटली फाइन। ठीक है, मैंने आपको एक केस शेयर किया था एलो सेक्रेटरी का, अगर आप वो देखोगे तो सेम टू सेम जो था कि वो क्या करता, उसका उनके भाई ने उससे कुछ लिया और उसके भाई ने उसको धोखा दे दिया, वो पूरा ट्रस्ट करती थी। ठीक है, मगर उस लेडी ने उसको फ़ोन नहीं किया। ठीक है, उसको गुस्सा बहुत आया क्योंकि उसको इतना गुस्सा था कि अगर वो बार बार वो फ़ोन कर रहा था, उसने उससे बात करना बंद कर दिया, मगर वो फ़ोन करता तो वो फ़ोन उठाती नहीं। तो मैंने बोला कि आपने फिर उसको रिएक्ट क्यों नहीं किया और फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे। तो बोले सर अगर मैं फ़ोन उठा दूंगी तो मैं क्या कह दूंगी मुझे समझ में नहीं आता है। ठीक है, क्योंकि वो मेरे एकदम मैं जो सोची थी वो उसके विपरीत ऐसा जाके उसने काम किया है, उस पर भरोसा किया और उसने मेरे साथ ऐसा किया, तो मेरा उससे रिश्ता जो है वो एकदम ख़राब हो जाएगा अगर मैं उसको बोल दिया, अगर मैंने उससे फ़ोन उठा के बात कर दिया तो मेरा पूरा रिश्ता पूरा स्पॉइल हो जाएगा, मैं क्या बोल दूँगी मुझे पता नहीं। ठीक है, कॉन्ट्राडिक्शन, इनटॉलरेंस ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन, रिस्ट्रेन हिमसेल्फ टू कीप फ्रॉम वायलेंस, दो ही मेडिसिन है सिलिशिया और एलो सेक्रेटरीना। एलो सेक्रेटरीना कॉन्ट्राडिक्शन इतना इनटॉलरेंस है मगर वो अपने आप को रोकता है ताकि वो कोई वायलेंस ना कर दे। तो इसने अपने आप को क्या रखा, रोक के रखा कि फ़ोन उठा दूंगी तो मैं उस पर बरस पड़ूंगी और बरस दी तो मेरा क्या हो गया, फियर आफ्टर पॉल्यूशन, मेरा पूरा रिलेशन ख़राब हो जाएगा। तो वो ना हो इसके लिए वो उसका फ़ोन नहीं उठाती थी। ऐसी एक मैंने एक आर्मी ऑफिसर का मेरे केस था। ठीक है, तो उसका भी उसने अपने रिलेटिव में उस किसी को कर्जा दिया था। ठीक है, कर्जा देने के बाद वो क्या हुआ कि उसने कुछ टाइम दिया था, वो टाइम पीरियड पे उसने बोला नहीं। ठीक है, उसने एक साल हो गया, दो साल हो गया, उसने बोला दे दूंगा, तो क्या हुआ वो दे नहीं रहा था, वो फिर जब वो आता तो वो मांगने जाता और वो बोल देता कि अभी मेरे पास नहीं है। तो उसको बहुत गुस्सा आता, उसको लगता कि यार मैं इसको क्या कर दूँ, उसको इतना गुस्सा आता, मगर वो सोचता। फिर मैंने बोला कि आप उसको, आप चाहो तो निकाल सकते। बोले सर मैं चाहूँ तो निकाल सकता हूँ फटाक से, मैं क्या है, आप तो जानते हो मैं कौन हूँ, मैं उसको चाहूँ तो आराम से निकाल सकता हूँ मगर वो मेरे रिलेशन में आता है। ठीक है, अगर मैं उसको ऐसा वैसा कुछ कर दिया, जबकि मुझे सहन नहीं होता है कि वो ऐसा बोलता है जबकि मेरे पास नहीं है, जबकि वो सब कुछ उसका अच्छा चल रहा है और मन करता है उसको तो वही धोड़ा दूँ, मगर मैं अपने आप को रोकता हूँ कि अगर मैं कुछ कर दिया तो मैं मेरा अपने आप पे कंट्रोल लूज़ कर दूँगा और मैं क्या करूँगा मुझे पता नहीं। ठीक है, और मेरा उससे पूरा रिश्ता ख़राब हो जाएगा, मेरा फैमिली का रिलेटिव है बहुत सालों का, तो मैं नहीं चाहता कि मेरे इस एक्शन की वजह से कुछ रिलेशन में कुछ प्रॉब्लम आ जाए। तो मैंने उसको माइग्रेन की तकलीफ थी और मैंने उससे एलो सेक्रेटरीना दिया। ठीक है, फियर आफ्टर पोल्यूशन और कॉन्ट्राडिक्शन, इनटॉलरेंस ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन, रिस्ट्रेन हिमसेल्फ टू कीप फ्रॉम वायलेंस। ठीक है, और फिर वो क्या बोलता है कि वो क्या बोलता है कि मैं ये सोचता हूँ और फिर मैं घर जाता हूँ और फिर मैं सोचता हूँ कि मैंने उसको बोला क्यों नहीं, फिर मुझे अपने आप पे गुस्सा आता है कि मैं उस पर निकाल क्यों नहीं देता, एक दो चमाट बजा क्यों नहीं देता, एक फटका मारूंगा तो दे देगा, मगर मैं फिर सोचता हूँ, ये सोच के रुक जाता हूँ कि रिलेशन की वजह से, फिर मैं अपने आप पे गुस्सा आता है कि मैं बोल क्यों नहीं पाता हूँ, मैं चाहूँ तो उसको कर सकता हूँ, तो बिकॉज वो बोल नहीं पाता है, यही तो उसका कॉन्स्टिपेशन है ना, क्योंकि वो निकाल नहीं पा रहा है, अपने एंगर को एक्सप्रेस नहीं कर पाना, अपने चीज़ें जो गंदगी है अभी वो अंदर अंदर क्या कर रहा है, जो उसका एंगर है वो उसको क्या कर रहा है, वो उसको अंदर ही अंदर दबा रहा है, जबकि वो बॉडी के लिए हार्मफुल है। ठीक है, अभी वेस्ट प्रोडक्ट जो होता है बॉडी में जो हम खाते हैं, अगर वो निकलेगा नहीं बाहर, ठीक है, एक्सक्रीशन नहीं होगा तो फिर बॉडी क्या होगा, अंदर ही अंदर उसका सड़न पैदा होगा और वो अंदर ही अंदर अपने बॉडी को हार्मफुल करेगा। सेम ऐसे एंगर है जो वो निकाल अले सर्किट ना वो एक्सप्रेस नहीं कर पाता, वो निकाल नहीं पाता और वही नहीं निकालने की वजह से उसको अपने आप पे गुस्सा आता है। तो एंगर हिमसेल्फ विद व्हेन कॉन्स्टिपेटेड, और ये क्यों नहीं कर पाता है, बिकॉज ऑफ फ्रेटनाइज विद द होल वर्ल्ड और फियर आफ्टर पॉल्यूशन, जबकि उसको बर्दाश्त नहीं होता कॉन्ट्राडिक्शन, और कॉन्स्टिपेशन एग्रीवेट और स्टूल आफ्टर
ML अगर वो बोल दे, उसको लगता है कि मैं बोल दूंगा तो मुझे अच्छा लगेगा, ठीक है। तो ये एलो सर्किट्रेनिया की छोटी सी जर्नी है। आप देखोगे कि ऐसे केसेस आपके क्लिनिक में आते हैं जो इस तरीके से होते हैं। तो मैंने वो लेडी का केस आपको पोस्ट किया था, एक जो मैंने अभी आर्मी ऑफिसर का जो मैंने बताया माइग्रेन का तकलीफ, एंगर हिमसेल्फ एंड कॉन्स्टिपेटेड। तो ऐसे वो लेडी में भी था एंगर हिमसेल्फ एंड कॉन्स्टिपेटेड, क्योंकि वो निकाल नहीं पाती, वो इरिटेबिलिटी पेन ड्यूरिंग था एंगर हिमसेल्फ, क्योंकि वो उठाती नहीं थी और उसे अपने आप पे गुस्सा आता कि मैं बोल नहीं पाती, अगर मैं बोल दूँ तो कम से कम मेरा मन हल्का हो जाए। उसने बोला कि मैं बोल नहीं पाती सर, यही मेरी सबसे बड़ी तकलीफ है, मैं चाहूँ तो बोल दूँ मगर फिर मेरे दिमाग में यही आ जाता है कि मेरा भाई है, मैं क्या बोलूँ, ठीक है, मेरे भाई बहन का रिश्ता खराब हो जाएगा। तो फियर आफ्टर पॉल्यूशन, उसको उस चीज़ का डर रहता है। तो एलो सर्किट्रेनिया हम इस एंगल से भी आप देखोगे हम बहुत फ्रीक्वेंटली यूज़ नहीं करते अपने क्लिनिक में, मगर आप चाहोगे अगर इस तरीके से जो 5 रूब्रिक्स मैंने आपको, 6 रूब्रिक्स आपको बताए हैं, ठीक है, इस तरीके से एलो सर्किट्रेनिया अपने आप को पूरे इसमें समेटा हुआ है, ठीक है। एंगर कॉन्स्टिपेशन, वैन कॉन्स्टिपेशन एग्रीवेट, स्टूल आफ्टर ML, फ्रेटनाइज विद द होल वर्ल्ड, फियर आफ्टर पॉल्यूशन और कॉन्ट्राडिक्शन, इंटॉलरेंस ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन, रिस्ट्रेन फ्रॉम टू कीप फ्रॉम वायलेंस। तो इस तरीके से एलो सर्किट्रेनिया आपके सामने आएंगे, तो आप इजिली अगर आप ये केस, अगर ये रूब्रिक्स आपके सामने प्रेजेंट होते हैं, आप बिंदास एलो सर्किट्रेनिया दीजिए, ठीक है, केस आराम से निकल जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम जल्दी मिलेंगे ऐसे ही नए रूब्रिक्स के साथ। थैंक यू सो मच।